शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सोनभद्र के रेणु सागर में स्थित हिडलांको इंडस्ट्रीज पावर प्लांट में स्वच्छ वायु दीर्घायु कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ है। बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार समेत अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मनोज कुमार, राज्य मंत्री वन पर्यावरण पीके मलिक समेत कई रिसर्च और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से वायु जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव देने के साथ ही वृक्ष लगाने को लेकर भी जोर दिया है। इस दौरान जनपद सोनभद्र में स्थित तमाम परियोजनाओं से बिजली, कोयला, बालू, गिट्टी समेत पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा की गई है। स्वच्छ वायु दीर्घायु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लोगों को पता लगे कि वायु की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें शुद्ध वायु कितनी जरूरी है। अगर वायु सही नहीं होगी तो कुछ नहीं, और वायु का तो यह है इतनी जरूरी है ऑक्सीजन कि आदमी 12 दिन 15 दिन तक बिना खाए रह सकता, 3 दिन तक बिना पानी के जी सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट भारी पड़ जाएंगे। तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना ने सबको समझा दिया। कोरोना पीपल के पेड़ के नीचे लेट के बहुत से मरीज ठीक हो गए, और बहुत से ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लगी तो जाके ठीक हुए। तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ धार्मिक स्तर पर भी पेड़ों का बहुत महत्व है, जो कि ऑक्सीजन खूब देते हैं और वो लगातार ऑक्सीजन देते हैं, और उससे आम जनता को बड़ा फायदा होता है और ऐसे पेड़ों को पूजा जाता है। स्वच्छ वायु सोनभद्र में आए वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने उत्तर प्रदेश वन निगम इको टूरिज्म के द्वारा सोन एडवेंचर का उद्घाटन किया है। मंत्री ने नेचर ट्रेल ब्रोशर का विमोचन और 25 ट्रैकर्स को हरी झंडी दिखाकर ट्रैकिंग के लिए रवाना किया है। बताना चाहेंगे कि सोनभद्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने बड़ी शुरुआत की, जिससे कि जिले में रोजगार के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। टीचर ने बताया सर, बताया क्या बताया सर? बोले हैं कि चलो तुम लोग को टूर पहले चलता है, तुम एडवेंचर करना, फिर फिट भी रहोगे और नेचर को भी जान पाओगे अच्छे से। तो डर लगता है जब एडवेंचर का कोई तो डर लगता है? अभी तक पर्यटन की खाली बात हुई लेकिन कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आज पर्यटन इको टूरिज्म के मामले में काम शुरू हुआ। हमारा वन निगम और सोनू एडवेंचर्स के सहयोग से, सोन एडवेंचर्स के सहयोग से यहाँ पर इको टूरिज्म का ट्रैकिंग शुरू हुआ, और अब यहाँ से नौजवान ऊपर जाएंगे, चढ़ेंगे, रुकना चाहेंगे तो वहाँ उनके रुकने के लिए भी अपना बिस्तर लेके जाएंगे, रुक भी सकते हैं, और इस तरह के सुरक्षित उनके रहने का भी स्थान है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से जाएँ, बच्चे ट्रैकिंग करें, अपना साहस बढ़ाएँ, साहस जो बढ़ाएगा उनके साथ में गाइड्स भी जाएंगे, इस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और लोगों की फिटनेस बढ़ेगी। और आज के समय में जो फिट है वही हिट है, और लोगों में नौजवानों में साहस बढ़ेगा। टीचर ने बताया सर। विजयपुर जिले से है, जहां पर चरचन तालुका के बरटोल गांव में दिनदहाड़े चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और 40,000 के रुपए लेकर फरार हो गए हैं। ये इसी एक ही फैमिली के अंदर पहली बार 2018 में एक 25 तोला का सोना चोरी हुआ, 1.5 लाख रुपए हो गया, और दूसरी मरतबा उनके घर में सागर के नया एक मोटरसाइकिल चोरी करे वो, और तीसरी मरतबा खेत के अंदर एक घर है वो घर के अंदर 5 से 6 तोला सोना चोरी हो गया और 40,000 रुपये भी चोरी करके लेके गए। सर ये कितने बजे हुआ? ये लगभग 12-12:30 बजे तक हो गया। दिन में होगा पूरा, ये इसी एक ही फैमिली। वहीं
वहीं प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या रहा है। बताना चाहिए खराब मौसम के बाद भी संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद कल देखने को मिली थी। देखिए वैसे स्नान सतत रूप से चालू है, लेकिन अगर 12 बजे के बाद का आंकड़ा हम माने तो हम करीब 18 से 20 लाख स्नानार्थी आज यहाँ स्नान कर चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेजी से श्रद्धालु आ भी रहे हैं और बहुत तेजी से श्रद्धालु जा भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज अभी तक 18 से 20 लाख स्नानार्थी स्नान कर चुके हैं और आज पूरे दिन में यह आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। सर घाटों की व्यवस्था कैसी है क्या? घाटों की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। आपने देखा बीच में रात में किसी बारिश भी हुई थी, पर ईश्वर के आशीर्वाद से सब चीजें बड़ी अच्छी कंट्रोल हुई। देखिए प्रयागराज में नवीन सब्जी मंडी जसरा में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई और इस दौरान 4 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर प्रयागराज से है, जहां पर हंडिया तहसील के सराय इस्माइल गांव में लगभग कई पुस्तों से रह रहे मुजहर जाति के लोगों को गांव से भगाने की कोशिश की जा रही है। मुजहर जाति के लोगों ने आरोप लगाया है कि गांव के जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर मुजहर जाति के लोगों के साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मामला सराय इस्माइल में राम सुंदर जो है और पट्टा कह दिया अपने परिवार के पट्टा कह के मुसहर के बस्ती है पट्टा कह लिया। वो भी भगाते हैं, धमकी देते हैं, हट जाओ भाग जाओ ना रह देगा। मामला यही है सर, 175 भूमि संख्या हमारा 75 नंबर है भूमधरी, जो कि उससे लगा हुआ ग्राम सभी की जमीन, गांव समाज की जमीन, तालाब की जो 2 बीघा 6 बीघा वो हड़प लिए, हमारी 10 बीघा भूमधरी भी हड़प लिए सर। 100 खाम में 6 में बाग में हमारी आबादी है, गांव का वादी। उसके बाद आज भी मैं टहरता रहा लेकिन ना यहाँ के नागरिक सुने ना। कौन कब्जा किया है? कब्जा किए हैं यहाँ के संत लाल, छोटे लाल, फूलचंद, फतेह बहादुर, राज बहादुर, अरविंद, जयपाल, राज बहादुर। ये मामला है सराय वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की 13वीं के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर पूछे गए सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान, वहां की जनता सुखी रहे यही हमारी कामना है। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, 2047 तक भारत विश्व की टॉप अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में अथवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं देखता हूँ, अथवा पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, अथवा कोई भारत की राजनीति के स्टालवर्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूँ। उनको मैं एक बड़े भाई के रूप में सदैव मैंने देखा है और उनके साथ हमारे इसी प्रकार के रिश्ते थे। तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो, हम तो यही कामना करेंगे। मैं उनको पूर्व
वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां पर पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रयागराज पहुंचे थे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। हालांकि उन्होंने उनकी यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि वह टी शर्ट पहनकर टार्जन बन जाएंगे और देश की सियासत पर अपना वर्चस्व जो है वो बना लेंगे। फिलहाल ये संभव नहीं है। देखिए, हमारी तो बहुत शुभकामना है, लेकिन एक चीज किसी को समझ लेना चाहिए कि खुशफहमी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब उनको लगता है कि वो टी शर्ट पहन के टार्जन बन जाएंगे और टार्जन बन करके जो है वो देश के सियासत पर अपना वर्चस्व जमा लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले जो है वो इन पप्पू के चोचलों और परिवार के घोंसले से बाहर निकल करके इस देश के गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान को ज़मीन से समझना होगा, बेहतरी से समझना होगा, ये सब हवा हवाई चीज़ों से नहीं। इसलिए तो कहा ना, टी शर्ट पहन के कोई टार्जन नहीं बनता। अब ये जो है वो टी शर्ट के टार्जन है और ऐसे टार्जन है जिनके पास ना नीतियों का टोटा है, कार्यक्रमों का टोटा है और नेतृत्व अपने आप में खोटा है ही। और आज जो है वो कभी कहते हैं कि हम देश को इकट्ठा करेंगे, कभी कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे। अब इनके गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा तो उनके नेताओं में मतभेद हैं। पहले तो ये गठबंधन की गठरी के छेद पे रफू करें और अपने नेताओं के मतभेद को रफू चक्कर करें, उसके बाद सोचें कि क्या है। देखिए, हमारी कहा गया 5 बजे। वही खबर बांदा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में कच्चे मकान में आग लग गई, जिससे कि मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि पड़ोसियों ने दूसरी जगह सो रहे गृहस्वामी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। हालांकि सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित ने गांव की एक महिला और उसकी 2 पुत्रियों पर आग लगाने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब आ गया, अब 5 बजे जब हम उन्हरा हूँ तो तापर रहे हैं। अच्छा, तो दीख है तो तिरंगा भर मतलब उठे हैं तो मैं अपन छत से चढ़ के दिखियो। अब हमारा बे क्या घर बना यार, अब ये फाट न जाए हमारा घर। अच्छा अच्छा, तो मैं वहाँ से भी पानी डाले लागे, 2-3-4 बाल्टी डाले वहाँ से, इतना मशीन आ गए। अच्छा अच्छा, तो क्या पानी डाल तो आपको मना किया गया क्या किसी के द्वारा? हाँ, मालिन कह रहे हैं कि मालिन की पानी कह कर डाले थे, तो मालिन मैं कहाँ घर थोड़ी गिरा दे भी हम। तो कौन कह रहा था कि पानी क्यों डाल रहे हैं, कौन है मना करने वाले लोग? तो कोई दबंग वबंग है क्या? अब ये इनकी बिटिया हुई है, वो बिटिया या कौन हो रही। अच्छा अच्छा, तो कौन से गांव में आग लगी है? ये बरौली आजम है। आग पड़ोसी ने देखा तो पड़ोसी ने बताया कि मतलब आग लगी है, तो उन्होंने पानी डालना शुरू किया तो उन्होंने मना किया। अच्छा, कि पानी न डालो, तब हमने फायर ब्रिगेड को जो है वो किया। कितने बजे लगभग आपको सूचना मिली कि आग लगी हुई है? सूचना हमें करीब वही 4:30 बजे मिली। तो क्या किसी के द्वारा लगाई गई है या वैसे? लगाई गई है। अच्छा, लगाई गई है। कौन है वो लोग जिनके द्वारा लगाई गई है? क्या दबंग वगैरह है? वो महिलाएं हैं। अच्छा, हिमंचला देवी की लड़कियां हैं। अच्छा, वो बहुत दिनों से परेशान करती चली आ रही हैं, कई बार थाने जाकर सूचना भी दिया। अच्छा, प्रार्थना पत्र दिया, वो आग लगा दिया। अब आ गया, अब 5 बजे जब। वही खबर सहारनपुर जिले के देवबंद से है, जहां पर पंडित रुद्रा मिश्रा और उनके साथियों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष परवीन तोगड़िया का जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि देवबंद में राष्ट्रीय बजरंग दल के टीम का गठन किया गया, जिसमें देवबंद के कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से काम करने की शपथ ली। इस मौके पर काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।